वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, मैं हूं एक बार फिर आप लोगों के साथ अभिनंदन कुमार आज़ाद और आप लोग हैं मेरे चैनल एस के आज़ाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे, जिस पे मैं एडुकेशनल संबंधी वीडियोज आपके सामने लाता रहता हूं, मोटिवेशनल वीडियोज भी आपके सामने लाता रहता हूं। और ऐसा कोई टेक्निकल कोई खोज हुआ है या कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जाननी चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों के सामने लाता रहता हूं, जो इस चैनल पे अपलोड होता रहता है। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसा कि आप टाइटल देख ही रहे हैं कि अभी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का वैकेंसी आया हुआ है जूनियर इंजीनियर का, जिसके बारे में हमने पहले भी काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ और आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें, चूँकि एग्ज़ाम आया है अभी, तो CBT-1 आया है, CBT-2 आएगा, तो हम सब चीज़ों का क्लियरली स्टेप बाय स्टेप वीडियो में इस पर डालता रहूँगा। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि देखिए एग्ज़ाम के जैसे ही नज़दीक आता है तभी इस पर वीडियोज अपलोड होते हैं, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं करेंट अफेयर का वीडियो जरूर डालूंगा। करेंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन है इम्पॉर्टेंट, क्या है इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। वो मैंने पहले ही कहा था कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं जब भी एग्ज़ाम्स आने लगेगा तब उस वक्त मैं एक हफ्ते पहले मैं वीडियो डाल दूँगा। हाँ, समय थोड़ा कम गया है, पर फिर भी करेंट अफेयर पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लोगों के पास कुछ मटेरियल होने चाहिए ताकि आसान क्वेश्चंस कुछ आता है तो आप लोग उसको डील कर लो। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से आग्रह है कि यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो एक बार ज़रूर जाइए, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, क्योंकि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे, बेल आइकन को हिट कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा। तो और जब भी कोई नया एग्ज़ाम्स आता है तो उसका नोटिफिकेशन आता है तो मैं सबसे पहले उसका वीडियो बनाता हूं। उस नोटिफिकेशन में क्या है, कौन कौन से उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, उसकी तैयारी कैसे करना, उसमें कौन कौन से वीडियोज मेरे हैं जो आपके हेल्प होने वाले हैं और क्या मैं एक्स्ट्रा उस पर वीडियोज बनाऊँगा, ये सारे नोटिफिकेशन मैं देता हूँ उस वक्त। और जैसे ही नज़दीक आता है तो मैं उस जो जॉब नोटिफिकेशन निकला है उसमें किन किन चीज़ों की एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ने वाली है, सब चीज़ों पर मैं वीडियोज बनाता हूँ, खासकर करेंट अफेयर जो कि हर वक्त चेंज होता रहता है। तो चलिए मैं एक बार क्विक रिवीजन करा दूँ आप लोगों का कि हम लोग आरआरबी जूनियर इंजीनियर के एग्ज़ाम्स को लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो क्या है इसमें। तो मैंने कई पहले ही वीडियो में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ नोटिफिकेशन के बारे में, इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें दो स्टेज में एग्ज़ाम होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2 में। स्टेज 1 में परीक्षा दो भागों में आयोजित की जाएगी, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित प्रश्न होंगे। स्टेज 1 की अगर हम बात करें जो अभी होने वाला है CBT-1, उसमें कुल प्रश्न 100 बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे, समय आपके पास 30 मिनट का होगा, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित होंगे और 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होगा, तो ये ध्यान रखें इसको। गणित विषय से आपका 30 प्रश्न आएंगे, समान बुद्धि एवं तर्कशास्त्र से आपको 25 क्वेश्चन आएंगे, समान जागरूकता से आपको 15 क्वेश्चन आएंगे, समान विज्ञान से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो देख ही रहे, दो चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया है, सबसे ज़्यादा आपका गणित और समान विज्ञान, उसके बाद समान बुद्धि यानी रीजनिंग वाले पार्ट होते हैं उससे क्वेश्चन आएगा, ये सब मेन है। तो आपको भी अटेम्प्ट कौन सा करना है, सबसे आसान क्वेश्चन आता है समान विज्ञान से, और यहाँ पे क्वेश्चंस आते भी कहाँ से हैं, अंडर टेंथ का अगर आपने कुछ भी पढ़ा रखा है तो उससे क्वेश्चंस बन जाएंगे और हर साल यही आता है, इसका लेवल एवरेज आता है। गणित से भी क्वेश्चंस जो आते हैं वो एवरेज लेवल के आते हैं, रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं और ये समान जागरूकता वाले क्वेश्चन जो होते हैं, जो मैं इस पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, वो थोड़ा सा अपने लेवल पर रहता है। गणित वगैरह मैं जैसा कि पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या क्या टॉपिक होने वाला है, क्या क्या उसका सिलेबस है, मैं पहले ही अपने वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूँ, इस वीडियो में फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि क्या क्या आपके सिलेबस रहने वाला है। गणित में आपका संख्या पद्धति, BODMS, दशमलव, भिन्न, मसा, लसा, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, क्षेत्रफल, समय प्रारंभिक और कार्य, समय और दूरी, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, प्रारंभिक संख्यांकी, वर्गमूल, आयु संबंधित गणनाएं, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी, इसे सब गणित से क्वेश्चन है। गणित समझिए या रीजनिंग समझिए, ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो होता है वो सब चीज़ें हैं। समान बुद्धि एवं तर्कशास्त्र संबंधी सादृश्यता,
अक्षर और संख्या आधारित श्रृंखलाएं, कोडिंग डिकोडिंग, गणित संक्रियाएं, रक्त संबंध, न्याय निगमन, पहेली, बेन आरेख, आंकड़ों का प्रबंधन एवं पर्याप्तता, कथनता निष्कर्ष, निर्णय क्षमता, समानता और विसमानता, गणितीय तर्क शक्ति, वर्गीकरण, दूरी, कथन तर्क एवं पूर्ण धाराएं, ये सब आपके समान बुद्धि एवं तर्कशास्त्र में है। समान जागरूकता की बात करें तो सामयिक का ज्ञान, भारत का भूगोल, संस्कृति और भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय राज व्यवस्था और संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरणीय मुद्दा, विश्व और भारत, खेलकूद, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास। समान विज्ञान में आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जैव विज्ञान से आपके दसवें स्तर तक का क्वेश्चंस आएंगे। स्टेज टू में आप जानते हैं स्टेज टू में क्या होने वाला है, वहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट मिलेगा आपको, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक दिए जाएंगे और गलत करेंगे आप तो 1/3 क्वेश्चन नंबर काट लिया जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होंगे। उसमें समान जागरूकता से 15 क्वेश्चन आएगा, भौतिक और रसायन विज्ञान से 15 क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर ज्ञान से 10 क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण से 10 क्वेश्चन आएगा। और सारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 100 क्वेश्चन आपके तकनीकी ज्ञान से आएगा, यानी कि आपका टेक्निकल जो ब्रांच है उससे आएगा। तो मैंने इससे पहले इंग्लिश में काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ सिलेबस वगैरह, यहाँ मैंने हिंदी में भी कर लिया, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उसको यहाँ हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग जिस पे इकट्ठा हुए हैं जो काम करने के लिए, वह करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं उसके आपको कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, कौन सी बुक पढ़ें क्या ना पढ़ें, तो मैं ये आप क्या कीजिए, ये वीडियो देखने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि कुछ देखने वाला इसमें है नहीं, बस आपको सुनना है। तो ईयरफोन लगाइए कान में और आराम से सो जाइए, थोड़ा सा स्पीड वीडियो का बढ़ा लीजिए ताकि आप फटाफट आपका वीडियो चलता रहे और आप सब कुछ देख पाएँ, ठीक है, देख पाएँ मतलब सुन पाएँ। यदि आप आराम से वीडियो कान में लगा लें इसका ईयरफोन, मोबाइल पर देखने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनते रहें क्या क्या है उन पर ध्यान दें। बस एक बार आपने ध्यान दे दिया, जितना याद रहा वो ठीक है, बस आपको रिकॉल करना है कि कहीं क्वेश्चंस आ जाए और ऐसा हो कि आपने पढ़ रखा है पर आपको याद नहीं है, तो ऐसा ना हो। तो जो न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा हो सबको मैं रिकॉल करा देना चाहता हूँ। देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो एग्ज़ाम के एक दो महीना पहले का चीज़ आती है, ठीक है, यानी एक दो महीना जो है जैसे अभी मई में एग्ज़ाम होना है तो मई से क्वेश्चंस नहीं आने वाले करंट अफेयर के, तो मई का मैगजीन ना पढ़ें, मई के पहले वाला यानी अप्रैल से भी नहीं आने वाला है, उम्मीदता मार्च से भी नहीं आना, तो जनवरी फरवरी से मिल नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे 6 महीने कवर करूँगा, 6 महीने का करंट अफेयर जिसमें फरवरी तक का होगा, मार्च का भी बहुत कम क्वेश्चंस आने की उम्मीद कम ही मैं रखता हूँ, लेकिन मार्च वगैरह से आ सकता है, अप्रैल मई से तो उम्मीद ही मत रखो क्योंकि क्वेश्चन बहुत पहले सेट हो जाता है, तो इतना नज़दीक का करंट अफेयर नहीं पूछा जाता। तो मैं आपको फरवरी तक का करंट अफेयर का चीज़ें मेंशन करके देता हूँ क्या क्या है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय की बात, तो राष्ट्रीय में सबसे पहला पॉइंट है एक जो हुआ है वह है अंडमान के 3 द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का नाम बदलकर क्रमशः नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखने की घोषणा की थी। ये 30 दिसंबर 2018 की बात है। इसके बाद मिशन गगनयान, देखिए मैं जो भी टॉपिक्स बताऊंगा ना वो सब इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में एक बार सुन लोगे तो कम से कम उस पर सर्च कर सकते हो कि एक्स्ट्रा चीज़ें अगर जानने की आपको विशेष रुचि हो तो उस पर गूगल कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, उन सब चीज़ों पर मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे गगनयान है, तो मिशन गगनयान के लिए बजट की मंजूरी मिली थी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 दिसंबर 2018 को अंतर्राष्ट्रीय यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान कार्यक्रम तथा इसके लिए 10,000 करोड़ के बजट को मंजूरी प्रदान की। इस मिशन के तहत वर्ष 2022 तक 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ये है आपका। इसके बाद बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा था 3 तलाक, तो 3 तलाक के बारे में भी आप जानकारी रख के जाएंगे। 3 तलाक लोकसभा में फिर से पारित हुआ, 3 तलाक विधेयक लोकसभा 27 दिसंबर 2018 को 3 तलाक यानी तलाक विद्वत की प्रथा पर रोक लगाने के उद्देश्य से लाया गया बहुत प्रतीक्षित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 को
फिर से पारित कर दिया गया। यह विधेयक एक साथ तीन तलाक की पीड़ित महिलाओं को मजिस्ट्रेट के पास जाने की शक्ति देता है और अपनी व बच्चों की सुरक्षा एवं जरूरतों की मांग करने का अधिकार देता है। उसके बाद है आकांक्षी जिलों की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी। नीति आयोग ने 27 दिसंबर 2018 को जून अक्टूबर 2018 तक के महीने के दौरान बेहतर प्रदर्शन के आधार पर आकांक्षी जिलों की दूसरी डेल्टा रैंकिंग जारी की है। इस समग्र रैंकिंग में बुधनंग, नुआपाड़ा, सिद्धार्थनगर, औरंगाबाद व कोरापुट सर्वाधिक बेहतरी दर्शाने वाले जिले हैं रहे, जबकि किफायर, गिरडीह, चतरा, हैराकांडी व पाकुड़ सबसे कम बेहतरी दर्शाने वाले जिले घोषित किए गए। देश के सबसे लंबे रेल रोड पुल का उद्घाटन, तो देश के सबसे लंबे रेल रोड पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 25 दिसंबर 2018 को असम के, कहाँ ये, असम के बोगीबिल में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया देश का सबसे लंबे रेल और सड़क पुल का उद्घाटन किया था इन्होंने, ठीक है। उसके बाद है अटल जी का स्मारक सदैव अटल राष्ट्र को समर्पित। तो अटल जी का स्मारक जो सदैव अटल बना था, ये सब पूछा जाता है कि सदैव अटल जो स्मारक बना हो किनके स्मृति में बना है, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये भारत रत्न, ऑब्वियस सी बात है अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न भी दिया गया है, जा चुका है। तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने उनके श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनका स्मारक सदैव अटल राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने अटल जी के सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का भी जारी किया, तो 100 रुपया का सिक्का भी जारी हुआ था, उसको भी ध्यान रखें। और कृषि जयंती पे जारी किया गया था, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती पे ये जारी किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है अग्नि फोर का परीक्षण 23 दिसंबर 2018 को परमाणु आयुध ने ले जाने की सक्षमता, 4000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फोर का उड़ीसा तट से सफल परीक्षण किया गया। यह अग्नि फोर का 7वां परीक्षण था। अग्नि फोर का DRDO ने भारतीय सशस्त्र बलों के प्रयोग के लिए विकसित किया है। नेक्स्ट GST परिषद की 31वीं बैठक में कर दरों में संशोधन। तो फिर से कर दर तो बदल ही रहा है GST का, तो क्या क्या है भाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में 21 दिसंबर 2018 को हुई GST परिषद की 31वीं बैठक में विभिन्न प्रकार की 33 वस्तुओं पर वस्तु एवं सेवा कर GST, याद रखिए सब GST के बारे में, कि दरों की कमी की घोषणा की गई। परिषद ने GST की 28% के सर्वोच्च कर के दायरे में आने वाली वस्तुओं में से 7 को निम्न दर वाले स्लैब में डाल दिया है। अब 28% के स्लैब में केवल 28 वस्तुएं रह गई है। तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ कम इम्पॉर्टेंट, जिससे गगनयान इम्पॉर्टेंट हुआ, वो 100 रुपये का सिक्का चलाया गया है वो इम्पॉर्टेंट है, फिर सदैव अटल जो स्मारक बना है वो इम्पॉर्टेंट है, किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में बनाया गया था, इसके अलावा तीन तलाक वाला कानून भी है, उससे भी कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी न्यूज में उससे चीज़ें, कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती है। देश का सबसे लंबा रोड पुल कहाँ पे बना, तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, ये सब हमें ध्यान रखना। उसके बाद नीति आयोग द्वारा SDG का भारतीय सूची 2018 जारी। तो देखो ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हुआ, मैं आपको टॉपिक विशेष बता देता हूँ, क्योंकि हर चीज़ को अगर बताने लगा तो भाई बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारे टर्म्स होते हैं। तो जो भी आपको जब इम्पोर्टेंट रहेगा वो तो मैं बता ही दूंगा, बाकी भी मैं टॉपिक्स बता देता हूँ क्या क्या घटनाएँ हुई है, ताकि जो भी आपको इम्पोर्टेंट है उस पर आप सर्च कर सको। इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं पहले ही बता दूंगा, जैसे स्टेटस स्टार्टअप रैंकिंग 2018 घोषित। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP ने 20 दिसंबर 2018 को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2018 के परिणाम जारी किए। अपनी तरह का इस पहली रैंकिंग में गुजरात को बेस्ट परफॉर्मर राज्य घोषित किया गया। तो ध्यान रहेंगे स्टार्टअप में सबसे बेस्ट परफॉर्मर राज्य कौन सा है, गुजरात है, जबकि कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और राजस्थान को टॉप परफॉर्मेंस राज्य रहे। तो सब बेस्ट परफॉर्मर गुजरात और टॉप परफॉर्मर में ये सब रहे।
उसके बाद जम्मू में राष्ट्रपति शासन भी लगा, ये भी ध्यान रखिए। जम्मू कश्मीर में, हाँ एक चीज़ और कि जम्मू कश्मीर में कभी राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, वहाँ राज्यपाल शासन लगता है, तो ये भी आप ध्यान रखिए क्योंकि राज्यपाल शासन वहाँ लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर 6 महीने से राज्यपाल शासन पूरी हो जाने के पश्चात 19 दिसंबर 2018 को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के प्रस्ताव पर राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। जम्मू कश्मीर में 22 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया जा रहा है। इससे पहले वर्ष 1990 से अक्टूबर 1996 तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा। तो ये था कि पहले राज्यपाल शासन आता है, राज्यपाल शासन 6 महीना पूरा कर जाता है तो फिर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। उसके बाद है संचार उपग्रह G-SAT-7 एक प्रक्षेपण। तो ये भारत के भू स्थैतीय संचार उपग्रह G-SAT-7A का 19 दिसंबर 2018 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन परीक्षण केंद्र से प्रक्षेपण किया गया। इस उपग्रह से भारतीय वायुसेना की भूमि पर रडार स्टेशन, एयरबेस और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम द्वारा इंटरलिंकिंग की सुविधा प्राप्त होगी तथा वायुसेना को युद्ध के दौरान नेटवर्किंग में मदद मिलेगी और साथ ही ग्लोबल ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना की दक्षता बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें हुई है, तो जो चीज़ें हुई है उसको आप ध्यान रखें। अभी बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें हो रही है पर वो सब पूछा नहीं जाएगा। एक और है, लोकसभा में ट्रांसजेंडर बिल पारित हुआ था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसजेंडर बिल पारित हुआ था लोकसभा में, ये हुआ था लोकसभा में 17 दिसंबर 2018 को ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक 2016 पारित कर दिया गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को एक अलग पहचान प्रदान कर उनका सशक्तिकरण करना है। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा उनके साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट, बिहार के सिलाव खाजा मिष्ठान को GI टैग मिला। GI होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्स टैग मिलता है, इसके बारे में पहले मैं डिस्कस कर चुका अपना जो ESC के लिए मैंने वीडियो बनाया था इन्वायरमेंटल से रिलेटेड, वहाँ पे मैं GI टैग के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में कि GI टैग क्या होता है। तो यहाँ पे बिहार के सिलाव जो खाजा है, खाजा के लिए प्रसिद्ध है सिलाव का खाजा, जो बिहार में रहते हैं उनको पता होगा क्योंकि मेरे से बहुत नज़दीक पड़ता है, मुझसे 1 घंटा का रास्ता भी नहीं है सिलाव। तो सिलाव के खाजा को GI टैग मिला है, यानी कि वो उस तरह का सिलाव का खाजा के नाम से कोई और नहीं बेच सकता, उस पर सिलाव का ही टैग मिला हुआ GI टैग है। तो चेन्नई स्थित जियोग्राफिक इंडेक्शन रजिस्ट्री कार्यालय ने 16 दिसंबर 2018 को बिहार के नालंदा जिले के पारंपरिक मिष्ठान सिलाव खाजा को GI टैग प्रदान किया। वर्तमान में यह मिष्ठान बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश इत्यादि में काफ़ी लोकप्रिय है। उसके बाद नेक्स्ट, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। तो ये जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, ये हो रहा है, तो उस वक्त तो भैया होने का ये नियम था, अब तो हो ही रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है क्योंकि वो एग्ज़ाम आपके चुनाव के बीच बीच में ख़त्म जब होगा उसी वक्त चुनाव आपका एग्ज़ाम है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चुनाव के बारे में पूछा जाएगा नहीं आपसे। उसके बाद Agni-5 मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ, ये भी 10 दिसंबर 2018 को सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मोबाइल लॉन्चर के जरिए परीक्षित किया गया। स्वदेश विकसित Agni-5 मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। यह 3 चरणीय मिसाइल है जो 17 मीटर लंबी व 2 मीटर चौड़ी है। नेक्स्ट है, कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 दिसंबर 2018 को देश की पहली कृषि निर्यात नीति 2018 को मंजूरी प्रदान की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2022 तक कृषि उत्पादों का निर्यात 60 अरब करना है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो सके। इस नीति में जैविक उत्पादों के निर्यात पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों का समाप्त करने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट, NPCC बनी मिनी रत्न कंपनी। तो केंद्रीय लोक उद्यम NPCC को भारत सरकार द्वारा मिनी रत्न श्रेणी में रख दिया गया है, तो ये भी आपको लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, इसरो द्वारा हाइचिस सहित 31 उपग्रह प्रक्षेपित। तो इसरो ने बहुत सारा बड़ा काम किया था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह परीक्षण यान PSLV-C43 द्वारा 29 नवंबर 2018 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन
स्पेस सेंटर से 31 उपग्रह प्रेक्षित किए। इसके तहत भारत के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह हाइपर स्पेक्ट्रम इमेजिंग सैटेलाइट भी है। नेक्स्ट, करतारपुर साहिब गलियारे की आधारशिला, तो ये भी आपको एकदम ध्यान रखना है कि किस पे काफ़ी विवाद हुआ था, करतारपुर साहिब गलियारे की आधारशिला। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 26 दिसंबर 2018 को गुरदासपुर पंजाब में करतारपुर कॉरिडोर के निर्माण का काम शुरू की। लगभग 6 किलोमीटर लंबी इस गलियारे के पूरा होने से सिख श्रद्धालुओं को पवित्र करतारपुर साहिब धाम पहुंचने में काफ़ी सुविधा हो जाएगी। सभी श्रद्धालुओं को यहां जाने के लिए अटारी बॉर्डर से 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। तो ये अटारी बॉर्डर के पास है, इसमें काफ़ी विवाद हुआ था, इसलिए ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद है, मराठों को सरकारी नौकरी में 16% रिजर्वेशन मिला है। मराठाओं को सरकारी नौकरी में 16% आरक्षण। महाराष्ट्र विधानसभा ने 29 नवंबर 2018 को मराठों को आरक्षण देने वाला विधेयक पारित कर दिया। महाराष्ट्र सरकार ने मराठाओं को नौकरी और शिक्षा में 16% आरक्षण देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। यह विधेयक मराठा समुदाय को लोक सेवाओं के पदों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण देती है, जिन्हें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। तो ये है। उसके बाद है, तितली को घोषित किया गया दुर्लभ चक्रवात। अफ्रीका और एशिया के 45 देशों के संगठन रिमियस RIMES ने 24 नवंबर 2018 को अक्टूबर में आए गंभीर चक्रवात तूफान तितली को दुर्लभ चक्रवात घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र पंजीकृत संगठन रिमस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा टट्स में 200 से अधिक वर्षों के चक्रवात ट्रैक इतिहास से पता चलता है कि तितली तूफान भूस्खलन के बाद अपनी विनाशकारी क्षमता को बनाए रखने जैसी विशेषताओं के संदर्भ में दुर्लभ है। उसके बाद है, लीप और अप्रित पहलों की शुरुआत। मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सतपाल सिंह ने 13 नवंबर 2018 को उच्च शिक्षा संकाय के लिए लीप LEAP और ARPIT अप्रित नामक दो नई पहलों की शुरुआत की है। लीडरशिप फॉर एकेडमिशन प्रोग्राम लीप क्या है? लीडरशिप फॉर एकेडमिशियंस प्रोग्राम और रिपीट क्या है? एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। इन सब चीज़ों का शुरुआत किया है। विशेष इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि आता वही चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है। तो मैं उन सब टर्मों को बताता जा रहा हूँ जो न्यूज में रहा, पर जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत की पहली मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 नवंबर 2018 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर स्थापित देश के पहले मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया। यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की विश्व बैंक की सहायता प्राप्त जलमार्ग विकास परियोजना के हिस्सों के रूप में राष्ट्रीय जलमार्ग पर निर्मित किए जा रहे 4 मल्टी मॉडल टर्मिनल में से पहला टर्मिनल है। भारत की यात्रा पर आए अन्य देशों के शासनाध्यक्ष कौन कौन आए थे भारत में, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की? जैसे देखो, ये सब जो आते हैं ना उसी से चीज़ों से पूछा जाता है। जैसे भूटान के प्रधानमंत्री आए थे, 27 से 29 दिसंबर के बीच रहे थे, तो ये पूछा जा सकता है भूटान के प्रधानमंत्री हैं कौन? तो डॉक्टर लोटे त्शेरिंग प्रधानमंत्री हैं भूटान के। इसके अलावा इब्राहिम मोहम्मद सोलिह वो क्या उन्हें राष्ट्रपति हैं मालदीव के। उसके बाद ग्यूसेप्ट कॉन्टे, यह है प्रधानमंत्री इटली के। रॉनिन विक्रमासिंधे, यह प्रधानमंत्री श्रीलंका के। व्लादिमीर पुतिन जो राष्ट्रपति हैं रूस के। सवाकत मिर्जुयेव राष्ट्रपति हैं ये उज्बेकिस्तान के। मून जेन इन, ये राष्ट्रपति है दक्षिण कोरिया के। दासो सेरिंग तोबे, यह प्रधानमंत्री है भूटान के। डैनी फॉरे, यह है राष्ट्रपति सेशल्स के। तो ये सब आए थे भारत में, बहुत सारे काम इन्होंने किया।
बहुत सारी चीज़ें आप याद नहीं रख पाएंगे, तो उस पर हम लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं। मैंने सबको बता दिया कि ये सब चीज़ लोग आए थे, विशेष जानना था आप गूगल कर लीजिए, तुरंत मिल जाएगा। लेकिन वो सब इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगता, कोई विशेष कुछ ऐसा हो जाता है तो वो सब इम्पॉर्टेंट होता है, पर ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं है, तो उसको विशेष याद रखने की विशेष ज़रूरत है नहीं। आगे हम लोग चलते हैं। 49वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित हुआ, कहाँ हुआ भाई? पणजी स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में 20 नवंबर 2018 को। उसके बाद चक्रवाती तूफान गज ने तरमंडल में मचाई तबाही। तो ये भी आ सकता है कि गज क्या है भाई, ये चक्रवाती तूफान का नाम था गज, जो कि तमिलनाडु में अपना आके परेशान लोगों को किया था। उसके बाद फिज ने बरकरार रखा भारत की स्वायत्त वित्तीय शाखा का दर्जा, साख का दर्जा। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिज रेटिंग ने 15 नवंबर 2018 को वैश्विक वित्तीय शाखा के संबंध में अपना नवीनतम आकलन जारी किया। फिज ने लगातार 12 वर्ष भारत की स्वायत्त वित्तीय शाखा का दर्जा BBB श्रेणी पर बरकरार रखा। उसके बाद सबसे भारी संचार उपग्रह जी सैट 29 क्या है भाई? सबसे भारी संचार उपग्रह है, इसका प्रक्षेपण किया गया। तो श्रीहरिकोटा से ही स्थित सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र SDSC से 14 नवंबर 2018 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। उसके बाद फैजलाबाद व इलाहाबाद मंडलों के नाम बदलने को मंत्रिमंडल की मंजूरी। उत्तर प्रदेश सरकार तो बदनाम है ही, योगी सरकार, उन्होंने काफ़ी नाम चेंज किए, तो वो सब नाम भी आपको याद रखना है किसका नाम बदल के क्या हो गया। जो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 नवंबर 2018 को फैजाबाद और इलाहाबाद मंडलों के नाम बदल के क्रम से क्या लग दिया, अयोध्या और प्रयागराज। फैजाबाद का नाम क्या बदल के हुआ अयोध्या, और इलाहाबाद का प्रयागराज। तो अब इलाहाबाद नहीं बोला जाएगा, अब प्रयागराज ही बोला जाएगा, क्योंकि मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी। उत्तर प्रदेश की संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के अनुसार प्रयागराज मंडल में प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रयागढ़ जिले होंगे, जबकि अयोध्या मंडल में तहत अयोध्या, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी जिले होंगे। इसके अलावा भारतीय सेना में होवेल्जर और K9 ब्रज तोप शामिल। तो ये सब तोपों के नाम है, होवेल्जर और K9 ब्रज, ये सब क्या है, तोपों के नाम है। उसके बाद है पूरा हुआ भारत का न्यूक्लियर ट्रायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर 2018 को स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत को अपनी पहली निवारण गश्त को सफलतापूर्वक पूरा कर लौट आने के अवसर पर इसके चालक दल को संबोधित किया। अरिहंत की इस वापसी से भारत का परमाणु त्रिभुज पूरा हो गया है, इससे भारत अब वायु, जमीन और समुद्र तीनों जगहों पर परमाणु हमला करने में सक्षम देश बन गया है। ठीक है, तो भारत अब तीनों जगह पे परमाणु हमले कर सकता है। ये पाकिस्तान दिन ब दिन परमाणु बम का धमकी देता रहता है, इंडिया तीनों जगहों से उस पर परमाणु हथियार चला सकता है, उसका पता नहीं कहां से आएगा, वो भी मार गिराया जाएगा। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला की भारत यात्रा। तो दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग सुंग 4 से 7 नवंबर 2018 तक भारत की यात्रा पर रही। यात्रा के दौरान किम जुंग सुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की प्रथम महिला सविता कोविंद और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भेंट की। किम जुंग सू या अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए थे, तथा अयोध्या की रानी सुरजता हुंग होंग ओके के नया स्मारक की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का नेतृत्व कर भी किया। दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज राष्ट्र को समर्पित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, कौन है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 नवंबर 2018 को वजीराबाद में यमुना नदी पर बना सिग्नेचर ब्रिज राष्ट्र को समर्पित किया। यह पुल दिल्ली को उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद स्थित ट्रोनिंग सिटी से जोड़ता है। यह एशिया में सबसे ऊंचा खम्भे वाला पुल है, इसकी ऊंचाई 154 मीटर है। यह कुतुब मीनार से दोगुना ऊंचाई का है। लगभग 700 मीटर लंबाई वाले इस पुल के निर्माण पर ढेर सारे पैसे खर्च हुए, करीबन 1500 करोड़ लागत लगी है।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो आप देख ही रहे हैं करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना रहता है। हम 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बन गया और हम लोग बहुत कम चीज़ें कवर कर पाए। आगे हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। गश्ती पोत ICGS 12 भारतीय तटरक्षक में शामिल। तटरक्षक मतलब होता है जो आपके किनारों का तट का आपका रक्षा करता है, वो तटरक्षक में तो है। गश्ती पोत ICGS 12 भारतीय, सब क्या है? तटरक्षक पोत है, याद रखना 12, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण, स्टैचू ऑफ यूनिटी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये किसके के सम्मान में बनाया गया है? ये गृहमंत्री, जो पूर्व गृहमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात में बनाया गया नर्मदा नदी के किनारे स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। इससे पहले चीन में स्थित 152वीं ऊंची स्प्रिट टेंपल बुद्ध प्रतिमा को विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा का दर्जा प्राप्त था। इसके प्रमुख वस्तु का राम वंजी सुतार था। तो ये पहले तो कोई और था, अब सबसे ऊंचा ही है आपके। ये जो बना हुआ स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह विश्व का सबसे ऊंची प्रतिमा है, ध्यान रहे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। अब अग्नि वन का सफल रात्रि परीक्षण किया गया है। अग्नि वन क्या है भाई? भारत में स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलास्टिक मिसाइल है। ये सब आप बता सकें कि सफलतापूर्ण रात्रि में अब ये इसका परीक्षण किया जा चुका है। रात्रि में भी ये अपने लक्ष्य का सही लक्ष्य को भेज सकता है। उसके बाद कृषि कुंभ 2018 का आयोजन भी हो चुका है। तो ये भी पूछा जाता है कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक कृषि कुंभ 2018 का नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रदर्शनी व आयोजन हुआ। कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इतना ही बहुत है। उसके बाद IT पेशेवरों के लिए मैं नहीं हम पोर्टल आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अक्टूबर 2018 को IT और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोफेशन के लिए मैं नहीं हम पोर्टल पर वह मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सेल्फ चार सोसाइटी के थीम पर कार्य करने वाले इस पोर्टल से IT पेशेवर और संगठनों का सामाजिक मुद्दों और समाज की सेवा के लिए प्रयासों को एक मंच पर लाने की सहायता मिलेगी। उसके बाद BS4 वाहनों की बिक्री प्रतिबंधित। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अक्टूबर 2018 को पूरे विश्व में उत्सर्जन नामक भारत स्टेज 4 BS4 के अनुरूप मोटर वाहन की बिक्री और पंजीकरण पर प्रतिबंध की घोषणा की। यह प्रतिबंध 1 अप्रैल 2020 तक लागू रहेगी। भारत में 1 अप्रैल 2020 से भारत स्टेज 4 के अनुरूप मोटर वाहनों का प्रयोग होगा। देश भर में BS4 मानदंड 1 अप्रैल 2017 के लागू हैं। उसके बाद आज़ाद हिंद सरकार के गठन की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई यहाँ। उसके बाद है राष्ट्रीय पुलिस स्मारक और संग्रहालय का लोकार्पण हुआ। इसके अलावा शाही लीची और अल्फेंसो आम को भी GI का प्रमाण पत्र मिला है। GI यानी ज्योग्राफिकल इंडेक्स। यह किसी पर्टिकुलर शाही लीची, एक पर्टिकुलर जगह का लीची है, कोई और इस नाम से लीची नहीं बेच सकता। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा 19 अक्टूबर 2018 को बिहार के मशहूर शाही लीची को भौगोलिक संकेत GI पंजीकरण प्राप्त हुआ है। शाही लीची को बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, चंपारण, बेगूसराय आदि जिलों में बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। यह लीची अपने आकार, प्रकार और गुणों के कारण प्रसिद्ध है। इससे कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में उगाए जाने वाले अल्फोंसो आम को भी GI प्रमाण पत्र दिया था। नेक्स्ट, इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर 2018 आयोजित। कौन? इंडियन इंटरनेशनल सिल्क फेयर प्रगति मैदान नई दिल्ली में 15 से 17 अक्टूबर 2018 के मध्य 6th इंडिया इंटरनेशनल सिल्क फेयर आयोजित किया गया। इंडियन सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग द्वारा आयोजित इस मेले के दौरान देश के विभिन्न भागों में रेशम और मिश्रित रेशम उद्योगों के 108 से अधिक उत्पादों ने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया था। इसके अलावा विभिन्न सेनाभ्यास भी बहुत सारे हुए हैं, वो हम लोग बहुत ज़्यादा हम तो देख नहीं सकते, याद नहीं रख सकते, क्योंकि बहुत सारे सेनाभ्यास हुआ है। जैसे भारत और चीन के बीच हुआ था हैंड इन हैंड, जो कि स्थान था चीन चेंदू पे हुआ था। प्रमुख तथ्य इसका है, यह भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद के बाद आयोजित हुआ था। पहला सन प्रशिक्षण अभ्यास था। यह पहली बार 2009 में आयोजित हुआ था।
उसके बाद वह भारत और रूस के बीच हुआ है। नाम है इसका एबिया इंद्र और ये जोधपुर स्थान और लिपेत्सर रूस में हुआ था। उसके बाद है इंद्र नेवी, भारत और रूस के बीच ही हुआ था, बंगाली खाड़ी तथा विशाखापट्टनम में। तो बहुत सारे सैन्य अभ्यास हुए हैं। उम्मीद अब पूछने को तो कुछ भी पूछ सकता है, पर पूछना नहीं चाहिए, इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में सदस्य निर्वाचित। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में का सदस्य निर्वाचित हो गया है। भारत ने 12 अक्टूबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद HRC का सदस्य चयनित किया गया। इस संबंध में हुए मतदान में भारत को कुल 193 में से 188 मत प्राप्त हुए। भारत पांचवीं बार इस जेनेवा आधारित परिषद के लिए चुना गया। भारत इससे पहले वर्ष 2006, 2007, 2011, 2014 में इस परिषद का सदस्य चुना गया था। HRC मानव अधिकार के प्रसार और निगरानी की संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख एजेंसी है। नेस्ट सुनामी प्रभावित इंडोनेशिया की सहायता हेतु भारत का ऑपरेशन समुद्र मैत्री। तो ये याद रखना कि ऑपरेशन समुद्र मैत्री क्या है। ये सुनामी में प्रभावित इंडोनेशिया में सुनामी को नुकसान हुआ था, उसमें भारत सरकार ने सहयोग किया था, उसका नाम रखा था ऑपरेशन समुद्र मैत्री। भारत द्वारा 3 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया में सुनामी और भूकंप से प्रभावित लोगों की सहायता उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री लॉन्च किया गया। किसके लिए? इंडोनेशिया में आया था सुनामी, उसके लिए लॉन्च किया गया। इस अभियान के तहत भारतीय वायुसेना के 2 विमान C-1307 तथा C-17 और 3 नौसेना पोतों को रवाना किया गया। इंडोनेशिया में 28 सितंबर 2018 को 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे सुनामी की स्थिति भी बन गई थी। इसमें 1500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद है नेक्स्ट ISA की पहली आम सभा नई दिल्ली में आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2018 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय और गैस गठबंधन ISA की पहली आम सभा जनरल असेंबली का उद्घाटन किया, जिसके मंत्री स्तरीय सभा का आयोजन 3 अक्टूबर 2018 को ग्रेटर नोएडा में हुआ। इस गठबंधन का स्थापना सम्मेलन मार्च 2018 में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन की संयुक्त मेजबानी में हुआ था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी चीज़ें एकदम टू द पॉइंट कोशिश करेंगे कि चीज़ों को लाऊँ मैं आपके सामने, इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही लाऊँ, बाकी चीज़ों को छाटूँ। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। आपको फ़ायदा हुआ होगा तो नीचे कमेंट में लिखिए क्या आपको फ़ायदा हुआ, क्या सुधार होना चाहिए और इसमें क्या करना चाहिए। जो भी आप सुझाव देंगे उसका पालन किया जाएगा। और आपसे सब्सक्राइब करने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन हिट कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो ऐड करूँ, अपलोड करूँ, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नोटिफिकेशन मिलेगा क्योंकि एग्जाम के आसपास ही होता है, आप बिजी रहते हो पढ़ाई में, तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि कब मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और वो कितना काम आ गया। तो आप उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेसन में, इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।